नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लग्न वाले जातकों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वाले जातकों के लिए शनि ग्रह के राशि परिवर्तन का फल। शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि से कुंभ राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। शनि ग्रह अपनी ही दूसरी राशि, मकर राशि भी शनि की राशि है और कुंभ भी शनि की ही राशि है, तो अपनी एक पहली राशि से निकल करके अपनी दूसरी राशि में परिवर्तन कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, तो उस समय पर ये शनि ग्रह कर्क लग्न वाले जातकों को क्या फल प्रदान करेंगे। क्योंकि ये जो वीडियो है ये लग्न के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लग्न मालूम होना चाहिए। आपको आपका लग्न मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। यहाँ पर अगर 4 अंक लिखा है तो आपका कर्क लगन है, कैंसर एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए शनि ग्रह क्या फल लेकर के आ रहे हैं। शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, मकर से कुंभ में आ जाएंगे 7:43 AM पर। इसके पश्चात 4 जनवरी 2022 को 3:20 को कुंभ राशि में ये गोचर करते हुए रेट्रोगेट हो जाएंगे, यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे। उसके पश्चात 12 जुलाई 2022 तक ये मकर राशि में पहुंच जाएंगे, यहाँ से वापस होकर के रेट्रोगेट होते हैं, वक्री हो जाते हैं। तो यहाँ से ये 4 जून 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक यहाँ से रेट्रोगेट होकर के इस प्रकार से ये यहाँ पर आ जाएंगे। इसके पश्चात 23 अक्टूबर 2022 को ये मकर राशि से डायरेक्ट होंगे और फिर इधर आएंगे कुंभ राशि में। ये जो रेट्रोगेशन का समय रहेगा, ये समय रहेगा अप्रोक्सीमेटली 141 डेज के लिए। इसके साथ साथ ये शनि ग्रह जो है ये 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट होंगे, यहाँ से डायरेक्ट होते होते धीरे धीरे करके 17 जनवरी 2023 को ये कुंभ राशि में फिर से आ जाएंगे। इसके साथ साथ इस वर्ष में शनि ग्रह मकर और कुंभ दोनों राशियों में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय अंतराल रहेगा ये कुंभ लगन कुंभ राशि में जब शनि ग्रह गोचर करेंगे फिर इसके बाद रेट्रोगेट होंगे, मकर राशि में जाएंगे, फिर दोबारा से अपनी कुंभ राशि में डायरेक्ट होकर के गोचर करेंगे। कर्क लगन वाले जातकों के लिए इस वर्ष शनि की ढैया का प्रभाव उनके जीवन में देखा जाएगा, शनि ग्रह की जो ढैया का प्रभाव है वो उनके जीवन में पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए शनि ग्रह का नाम आते ही शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साथी हो, शनि की महादशा हो, इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, भय की आवश्यकता नहीं है। शनि ग्रह एक न्याय के देवता है जो न्याय करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं उसका जो फल है, लाइक ए जज की तरह जजमेंट करते हैं। इन्हें ग्रहों में जज की ही उपाधि दी गई है, ये न्याय करते हैं और जो भी आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका फल ये आपको प्रदान करते हैं। इनका सिर्फ इतना ही कार्य है, आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल ये प्रदान कर देते हैं, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे ही फल ये आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ उपाय भी बतलाऊंगा, अगर आप शनि ग्रह की किसी पीड़ा से परेशान हैं, कोई पीड़ा आप सहन कर रहे हैं, तो उसके अंदर उपाय करके कुछ मात्रा में रिलीफ प्राप्त हो सकता है। तो आइए देखते हैं शनि ग्रह क्या रिजल्ट पहले प्रदान करते हैं आपके लिए, तो उसके विषय में बात करते हैं। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए जब शनि ग्रह उनके 7th और उनके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 8th हाउस से गोचर करेंगे, इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लग्न वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनके अगर कोई डिजीज थी, अगर कोई डिजीज है तो वह थी में परिवर्तित हो जाएगी, उसके अंदर काफी मात्रा में सुधार होगा, उनकी डिजीज सही होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर कर्क लग्न वाले जातकों को उनके पैरों के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, चलने में कोई प्रॉब्लम थी, या कोई किसी प्रकार से फ्रैक्चर इत्यादि हुआ था जिसकी वजह से, या कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से पैरों में चोट लगी थी, तो वह चोट अब यहाँ पर सही होने के कगार पर होगी, उसके अंदर काफी मात्रा में रिलीफ प्राप्त होगा। परंतु इसके साथ साथ
यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस समय अंतराल के अंदर कर्क लग्न वाले जातकों को चलने चलते समय व्हीकल से, व्हीकल चलाते हुए या व्हीकल से, और इसके साथ साथ किसी भी भारी ऑब्जेक्ट एज ए मेटल और एज ए स्टोन, इन सब चीजों से केयरफुल रहना चाहिए। अदरवाइज पैर के अंदर चोट लगने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो इन चीजों से केयरफुल रहेंगे, बचकर रहे, केयरफुल होकर चले तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो कर्क लग्न वाले जातक हैं इस समय अंतराल के अंदर, उन्हें अगर कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होनी थी, उनके कुटुंब से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी थी, तो वह इस समय में प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहां पर पता चलता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की। शनि ग्रह की तीन दृष्टियां हैं, इन्हें क्रूर दृष्टियां बोलते हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि। जहां जहां ये दृष्टि जाती है वहां वहां ये ज्यादा लाभ नहीं देती, हानि ही पहुंचाती। तो देखिए शनि ग्रह की जब तीसरी दृष्टि, एक दो तीन, तीसरी दृष्टि जब आपके टेंथ हाउस पर पड़ती है तो ये आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर हार्डवर्क देगी, कार्य व्यवसाय में चेंज कराने का प्रयास करेगी। इसके साथ साथ हो सकता है आपका कोई ट्रांसफर होना, कोई ट्रांसफर आपको दे दे, प्रमोशन के साथ भी दे सकता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने अच्छे कार्य किए हैं, तो आपको प्रमोशन के साथ ये ट्रांसफर दे सकता है। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र के अंदर कोई उन्नति प्रदान कर सकता है, परंतु टेंशन उसके साथ आपको गिफ्ट में मिलेगी, ये मान करके चले। अगर मान लीजिए आपका प्रमोशन हुआ है और आपको किसी नए जगह पर ट्रांसफर किया गया है, तो वहां पर कार्य क्षेत्र तो आपका बढ़ गया, आपका पदोन्नति हो गई, परंतु वर्कलोड आपके ऊपर इतना बढ़ गया, चीजें समझ में नहीं आ पा रही, ये स्थिति यहां पर बनी। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की सातवीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको, अगर आपके कोई नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आंख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आई साइड वीक है तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज आंख, नाक, कान और गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इस समय अंतराल के अंदर यहाँ पर चोट चपेट लगने की संभावना भी दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय काल में आपके पास जो धन का आवागमन है, धन का जो आवागमन है वो स्लो स्पीड से होगा, क्योंकि शनि ग्रह का नाम ही शनि है, शनि शनि चलने के कारण इनका नाम शनि रखा गया है। हल्की स्पीड से चलते हैं, काफी समय लगा देते हैं, जैसे कि आपने देखा कि 2.5 साल ये एक ही राशि में लगा देते हैं, तो इसीलिए इन्हें शनि नाम रखा है धीरे धीरे चलने की वजह से। तो जो धन का आवागमन आपके पास होगा उसमें स्पीड कुछ घटी रहेगी, हल्की स्पीड से धीरे धीरे करके धन आपकी तरफ आवागमन होगा। इसके साथ साथ जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, मन मुटाव जैसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है, धन को लेकर भी बन सकती है, भोजन को लेकर भी बन सकती है, वाणी को लेकर भी बन सकती है। इन तीन चीजों के लिए आपको केयरफुल रहना होगा, धन, वाणी और भोजन, इन सब चीजों में अगर आप सात्विक रहेंगे। अब आप कहेंगे कि धन में कैसे सात्विक रहे, धन में सात्विक रहने का मतलब है जो आप धन डोनेट करते हैं या प्राप्त करते हैं उस धन को आप सात्विक तरीके से शुभता से प्राप्त करें। इसके साथ साथ जो आप भोजन लेते हैं उसमें सात्विक रहें, सात्विक भोजन को यूज में कर लाएं। इसके साथ साथ अब आप कहेंगे कि वाणी सात्विक कैसे करें, देखिए वाणी सात्विक में अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, मन भावन शब्दों का प्रयोग करें। इसके साथ साथ जो आप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं उसे आप वाणी के द्वारा गुनगुनाएं, भजन इत्यादि गुनगुनाएं, कोई मंत्र चैंटिंग करें उसके द्वारा वाणी शुद्ध होती है। वैसे कर्क लग्न वाले जातक बहुत ही मैं कहूँगा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत ही सोच समझकर शब्द बोलते हैं, बहुत सोच समझकर चीज़ों को ये ग्रहण करते हैं, बहुत सोच समझकर ये धन का आवागमन, धन का खर्चा और धन की प्राप्ति ये बहुत सोच समझ कर करते हैं, वेस्टेज नहीं करते, बहुत ही अच्छा इनका नेचर होता है। परंतु जब शनि ग्रह आए हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय में ये किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, तो इन चीज़ों के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की दसवीं दृष्टि, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जब आपके फिफ्थ हाउस पर पड़ती है, 7, 8, 9, 10 आपके फिफ्थ हाउस पर पड़ती है, तो इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लग्न वाले जातक जो स्टूडेंट हैं,
इस समय में उन्हें एजुकेशन के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा कि इस समय में कर्क लग्न वाले जातकों को अपनी एजुकेशन के अंदर अपना 110% एफर्ट डालना चाहिए, तब जाकर के 90-80% के करीब रिजल्ट मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो कर्क लग्न वाले जातक है, इस समय अंतराल के अंदर अगर कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं या अपने करियर को मद्देनजर रख के या कोई नया इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल इत्यादि ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेकर के अगर ज्वाइन करेंगे तो लाभ रहेगा। अदरवाइज इस समय में कर्क लग्न वाले जातक अपनी एजुकेशन के अंदर कोई रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें भविष्य में उस चीज का बेनिफिट प्राप्त ना हो पाए। इस तरह की चीजों को से बचना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कर्क लग्न वाले जातकों को मेटल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑयल, पेट्रोल, गैस, इन चीजों का कार्य करने से, लिक्विड जो चीजें होती हैं उनके कार्य से, और भी बहुत सारे कार्य हैं, इन्हें करने से, इनके एजुकेशन प्राप्त करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। परंतु आपका जो बर्थ चार्ट है उसके अंदर शनि ग्रह की क्या स्थिति है, शनि ग्रह आपको वहां पर क्या प्रदान करना चाहते हैं, उसके अनुसार देखना आवश्यक होगा। एक्चुअल में क्या है, ये जो प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर तो है, परंतु ये किसी का इंडिविजुअल चार्ट नहीं है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो इसलिए आप इस चीज को अदरवाइज ना लें, अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही कोई डिसीजन लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इसके साथ साथ जो कर्क लग्न वाले जातक हैं, वे अगर संतान को कंसीव कराना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो इस समय में देखिए थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा डिले होगा, परंतु यहाँ पर कार्य पूर्ण होता भी दिखाई देता है, क्योंकि और भी जो प्लेनेट हैं वे भी अपना रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ कर्क लग्न वाले जातक हैं जो वे क्रिएशन आदि के कार्यों को अगर करते हैं तो उसके अंदर उनका मन रमेगा नहीं। जिस तरीके से मन लग जाता है, मन के अंदर कोई दुविधा हमेशा परेशान करती रहेगी, या ये कहें कि संतान से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम दिमाग के अंदर घर करे रखेगी, जिसकी वजह से मन मस्तिष्क का एक शांति तरीके से कार्य को करके पूर्ण कर पाने में ये व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर आप इस तरीके की किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आपको मैं उपाय बताता हूं, इस उपाय को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या है, शिव आराधना करनी है। शिव आराधना में बहुत सारी चीजें हैं, शिव चालीसा है, शिव रुद्राष्टक है और लिंगाष्टकम है, और भी बहुत सी चीजें हैं। शिव जी के 12 नाम है, शिव जी के द्वादश नामों का आप उच्चारण कर सकते हैं, या शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षेमामृतम। और अगर ये नहीं कर सकते तो केवल और केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का, पंचाक्षी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, उच्चारण करें। जितना ज्यादा आप इस मंत्र को चैंटिंग करेंगे तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा, जिसके माध्यम से आपको शनि ग्रह की पीड़ा हानि नहीं पहुंचा पाएगी और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। तो ये था कर्क लग्न वाले जातकों के लिए, कैंसर असेंडेंट वाले जातकों के लिए शनि ग्रह के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।